बरसात का मौसम चाहे लोगों को गर्मी से राहत देता है, लेकिन ये जो रिमझिम तेज बारिश हो रही है, इसने स्माना शहर के बाजारों और गली मोहल्लों को जलथल कर दिया है। जलथल होने का कारण ये है कि सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सीवरेज की साफ सफाई नहीं करवाई गई, जबकि जो सीवरेज का पानी बरसाती नाले में गिराया जाना है उस पर प्रदूषण बोर्ड ने रोक लगा रखी है, जिसका खामियाजा शहरवासी भुगत रहे हैं। नगर कौंसिल द्वारा शहर की जो नालियां हैं उनको साफ नहीं कर पाया गया, जिससे सारा पानी दुकानों के अंदर और घरों में दाखिल हो गया, जिससे दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान इस बरसात ने कर दिया है। आजाद टीवी न्यूज के लिए स्माना से कैमरामैन बालकृष्ण गर्ग के साथ नेहा कौशिक की रिपोर्ट। समाने भी पहला भी बहुत मीह पे रहा है, नहीं पर आज जो मीह पे है बिल्कुल बंद करके रखता है, दुकानों में पानी आ गया, सवेरे 8:30 बजे मीह पे रहा है, इधर लाइट नहीं है, पानी की भी कोई निकासी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। एलओ भी आज दिन का काम का ठप है सारा। बाजार से किस तरह बस स्टैंड तुसी खड़े हो, किस तरह पानी किन्ना है? बिल्कुल थोड़ी सवारियां आ रही हैं, जी माड़ी मोटी सवारियां बसा आ रही हैं वो भी वापस आ रही ने, कोई हल नहीं, दुकाना मार्केट सब बंद हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, शहर का कोई सुनने वाला कुछ नहीं है। तो शहर में अब तक किन्ने साल तो समस्या झेल रहे हैं लोग? अच्छा शुरू तो ही देख रहे यार, छोटे हों तो पानी खड़ो ही आ रहा है, कदम पानी निकले नहीं है, सारा दिन टाइम वेस्ट हो जाता है, दुकानदारी खप पहुँचती है। वीर जी थोड़ी सी बरसात हुई है, की हालात और किन्ने साल तो लोग झेल रहे हैं इस समस्या में? इस समस्या कोई 2-3 साल तो झेल रहे जी, असं धरना भी लाया से कई दिन हो गए कमेटी के, पर साड़ी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई गलबात नहीं हुई, कल कल बंदे का रोज़ इन्ना इन्ना नुकसान हो रहा, देख लो दुकाना सारिया च पानी वड़ गया, जिंदा भी दुकाना देखो की हाल हो रहा थोड़े सामने, 20-30 हज़ार का माल भेजिया लोगों का है, पहले ही 2-3 साल तो लोग इन्नी मंदी की मार चल रहे हैं, टिका पानी की मार इन्नी पै रही है, इस करके साड़ी तो यही प्रशासन को भी बेनती है, तो सरकार को भी बेनती है कि साड़ी सुनवाई जरूर की जाए, तो पानी का तो सामने ही हाल है, तुम देख ही रहे हो जी।